हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रेडल कैप क्या होता है और उसका प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं। छोटे बच्चों में आफ्टर बर्थ आप देखे होंगे जो स्कैल्प होता है उसमें ड्राई फ्लैकी स्किन्स थोड़े पैचेस टाइप का डेवलप कर गए होते हैं। कुछ बच्चों में ये कम कम होता है और कुछ बच्चों में ये बहुत हेवी तरह से स्प्रेड कर गया होता है हेड में। तो इसका रीज़न है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सेबम। तो बच्चों में जो स्किन होता है हेड का, वहाँ पे अगर सेबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है तो स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा लगते हैं और ऑयली लगने की वजह से एक लेयर दूसरा लेयर ऐसे धीरे धीरे करके वो ऑयल जमा होते होते वो एक डर्ट और फ्लैकी स्किन बना लेता है बच्चों की ओरिजिनल स्किन के ऊपर। तो उसको हम क्रेडल कैप बोलते हैं। ये नॉर्मली बच्चे जहां पर कैप पहनते हैं उसी एरिया में नॉर्मली देखा जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये आर्म साइड में, ईयर के पीछे, फेस पे, दूसरी जगहों पर भी देखा जा सकता है। तो फिर बच्चों में अगर ये दिखे तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों में क्रेडल कैप होना एक बहुत नॉर्मल बात है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इसको अगर सही तरह से हम लोग ट्रीट किए तो फिर क्रेडल कैप बहुत जल्दी क्योर भी हो सकता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? अगर आपके बच्चे में क्रेडल कैप थोड़ा सा दिखने लगा है या हल्का फुल्का डेवलप किया है तो स्टार्टिंग से ही आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुछ प्रिवेंशन ले सकते हैं जिससे कि बच्चों का क्रेडल कैप हुए ही ना। तो ऐसा कौन कौन सा प्रिवेंशन आप ले सकते हैं? आप अगर डॉक्टर या फिर पीडियाट्रिशियन से भी अपने बात करेंगे तो वो भी आपको ये सेम टेक्निक्स ही बताएंगे। मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ये चीज़ फॉलो किया है और टचवुड गूगल को अभी तक क्रेडल कैप कभी डेवलप नहीं हुआ बाय बर्थ, उसका स्किन वैसे का वैसा ही है। तो मैंने ऐसा क्या क्या टेक्निक्स फॉलो किए जो कि मेरे पीडियाट्रिशियन मुझे बोले थे, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर आपके बच्चे को क्रेडल कैप हुआ है तो ऐसे कुछ कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगी और कुछ प्रिवेंशन बताऊंगी जिसको कि यूज करके आपके बच्चे का क्रेडल कैप पूरी तरह से आप मिटा सकते हैं। जब बच्चों का क्रेडल कैप बनना शुरू होता है उसी टाइम पे अगर आप प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन लेने शुरू कर देंगे तो फिर बच्चे को क्रेडल कैप होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज है कि बच्चों का अगर क्रेडल कैप हुआ है तो उसको पूरी तरह से क्लीन रखिए। क्लीन रखने के लिए आप शैम्पू यूज कर सकते हैं। बच्चों का शैम्पू अलग से आता है, आप कोई भी शैम्पू मत यूज करिए और माइल्ड शैम्पू यूज करिए। ऐसा शैम्पू मत यूज करिए जो स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता हो। जो छोटे बच्चे होते हैं 0 to 6 months के लिए, उनके लिए टॉप टू टो या हेड टू टो शैम्पू होता है जो बॉडी में यूज होता है, वही शैम्पू हेड में भी यूज करना चाहिए। मैं गूगल के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज करती थी उसके सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं अवीनो यूज करती थी और अवीनो बहुत ही अच्छा है क्रेडल कैप के लिए भी, ये बहुत बेनिफिशियल रहा। तो आप एवरीडे शैम्पू करने की जरूरत है जिससे कि बच्चों का स्कैल्प क्लीन रहेगा और क्लीन रहने की वजह से बच्चों का क्रेडल कैप डेवलप ही नहीं करेगा। तो शैम्पूइंग एंड क्लीनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर आपके बच्चे में थोड़ा सा भी क्रेडल कैप डेवलप करता हुआ दिखे, स्किन थोड़ा फ्लैकी हो रहा है, ड्राई हो रहा है, तो आपको कॉम्बी करना या ब्रशिंग करना शुरू कर देना चाहिए। नॉर्मली 1 महीना के ऊपर अगर बच्चा आपका हो गया है तो आप उसको रेगुलर बेसिस में ब्रशिंग कर सकते हैं। बच्चों के यूज के लिए स्पेसिफिकली अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं तो इसी वजह से कभी भी बच्चों के यूज करना हो तो बेबी प्रोडक्ट्स ही आप यूज करें। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मैं गूगल पे जो यूज करती थी कॉम्ब, ये देखिए ये बेबी कॉम्ब है। इसमें आप देख सकते हैं हेड्स में बहुत सारे बॉल्स हैं जिससे कि स्किन कभी भी स्किन के ऊपर ये हार्म नहीं करता है, बहुत स्मूथ रहता है बच्चों को कॉम्बिंग के टाइम पे। और दूसरा है हेयर ब्रश, आप देख सकते हैं ये ब्रश, इसको मैं गूगल पे यूज करती हूँ, हेयर ब्रश है ये। ये भी काफी सॉफ्ट है स्कैल्प के ऊपर, तो बच्चों का जो हेयर होता है एकदम पतला होता है, सॉफ्ट होता है, तो इसी वजह से आप सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स ही बच्चों पे यूज करिए। इन सबके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो जाके एक बार देख सकते हैं। बच्चों का स्किन
अगर बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्लैकी हो जा रहा है और रेडिश दिख रहे हैं तब आप हो सकता है कि पैनिक करें, लेकिन इसमें चिंता करने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। बच्चों का जो कैडल कैप होता है वो धीरे धीरे बढ़ने की वजह से जब एक्सट्रीम हो जाता है तब वो रेड भी दिखने लग सकते हैं, तो कुछ कुछ प्रिवेंशन ले सकते हैं जिससे कि बच्चों का कैडल कैप डेवलप ही ना करें। एवरी टाइम जब भी कॉम्बिंग या फिर ब्रशिंग आपको बच्चों का हेड करना हो तो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, बच्चों का हेड आइदर वेट हो या फिर ऑयलिंग करने के बाद आप कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि स्किन थोड़ा सा वेट रहता है, ऑयल अब्जॉर्ब करने की वजह से स्किन का ऊपर लेयर थोड़ा सॉफ्ट हो गया होता है, तो धीरे धीरे कॉम्बिंग आप हल्के हाथ से करेंगे तो जितने भी कैडल कैप होंगे ऊपर का लेयर धीरे धीरे करके वो पील ऑफ होने शुरू कर जाते हैं, और इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब आप कॉम्बिंग करेंगे तो हो सकता है स्किन थोड़ा रेड दिखे, लेकिन इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप धीरे धीरे हल्के हल्के करके रोजाना अगर करेंगे तो धीरे धीरे कैडल कैप पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा जितना हो सकता है शुरू से ही अगर आप प्रिवेंशन लेने शुरू करेंगे तो बच्चों का कैडल कैप कभी भी उतना सीवियर कंडीशन तक डेवलप नहीं करेगा। और बच्चों का मॉइस्चराइजेशन का जरूरत है, मॉइस्चराइजेशन इन द सेंस आप अगर कैडल कैप को रेगुलर क्लीन करेंगे तो उसके बाद आप उस जगह पे थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, या आफ्टर ब्रशिंग और कॉम्बिंग आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं या ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं उस जगह पे अगर रेडिस आपको लगे या फिर लगे कि आपको स्किन बहुत ज़्यादा रेडिस दिख रहा है। तो मैं प्रिफर करती हूँ एक्वाफोर। एक्वाफोर मैं हमेशा ही आपको बताती आ रही हूँ कि एक्वाफोर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गूगल पे मैं बहुत बार यूज़ करती हूँ हर चीज़ में, स्किन इरिटेशन के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है, तो इस वजह से आप भी इसको स्कैल्प में लगा सकते हैं ताकि स्किन का ड्राइनेस कम हो जाएगा और स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड नहीं लगेगा। बच्चों में अगर कैडल कैप बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया हो तो वर्स्ट केस में डॉक्टर हाइड्रोकॉर्टिसन नाम का एक मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपन योर बेबीज कंडीशन। तो इसी वजह से अगर आपको बहुत सीवियर कंडीशन लग रहा है तो फिर आप डॉक्टर विजिट कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। होपफुली आज का एपिसोड आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा, तो लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लेटेस्ट आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।